महंगाई ऐसा मुद्दा है जो सीधे जनता से जुड़ा है, ये बात भी सियासी दल बखूबी जानते हैं। छत्तीसगढ़ में महंगाई का मुद्दा फिर गर्मा रहा है। महंगाई को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। देश भर में कांग्रेस जन जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग से की है। महंगाई के खिलाफ में सारे लोग हैं। एक तरफ लगातार देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण से, चाहे रसोई गैस की वृद्धि की बात हो या पेट्रोल और डीजल की वृद्धि की बात हो, इससे आम जनता बहुत परेशान है। जहां अभियान के जरिए कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो इसका जवाब देने बीजेपी ने भी तैयारी कर ली है। बीजेपी की ओर से युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी और पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स कम नहीं करने जैसी बातों को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाएगी। हमने भी निर्णय लिया है कि सरकार की पोल खोलेंगे। पोल खोल यात्रा के नाम से हम एक यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें सरकार की जितनी भी नाकामी है उसको जनता के बीच लेकर जाएंगे। जिस प्रकार से हमने कुछ दिन पहले आंदोलन किया था कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अगर यहाँ की सरकार सोचती है, तो जैसे केंद्र सरकार ने वैट में कटौती करके पूरे देशवासियों को राहत दी, तो क्या छत्तीसगढ़ की सरकार अभी भी छत्तीसगढ़ की जनता की जेब में डाका डालने का प्रयास कर रही है और निरंतर लगी हुई है? तमाम सारे प्रदेशों ने वेट टैक्स हटाया है, यहाँ क्यों नहीं हटा रहा है? यहाँ क्या जा रहा है? अगर वेट टैक्स अगर हटा लेता तो कम से कम 5-7 रुपए का और कमी हो जाती है भाई। केंद्र सरकार ने तो हटाया, यहाँ क्यों नहीं हटा रहा है? कुल मिलाकर महंगाई का मुद्दा हमेशा से ज्वलंत रहा है, लेकिन कोरोना काल के बाद बढ़ती महंगाई सबके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। शायद यही वजह है कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने का मौका कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि बीजेपी कांग्रेस सरकार को ही महंगाई के लिए जिम्मेदार बता रही है। ऐसे में महंगाई को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर उंगलियां उठाती दिख रही हैं। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। महंगाई पर सियासत हाई है। जी हां, छत्तीसगढ़ में महंगाई एक बड़ा अहम मुद्दा है। हालांकि ये तो पूरे देश में एक बड़ा अहम ज्वलंत मुद्दा है और पार्टियां जो है उस समय समय पर इसको लेकर आंदोलन भी कर रही हैं। जनता के बीच भी मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। फिलहाल कांग्रेस ने एक पदयात्रा निकाली महंगाई के खिलाफ और बीजेपी उसको काउंटर करते हुए एक और यात्रा निकालने वाली है, रथ यात्रा जैसी भाजी वो निकालेगी और उसमें कांग्रेस को दोषी ठहराया जाएगा कि किस तरीके से महंगाई को कम नहीं कर रही। तो कांग्रेस की पदयात्रा में केंद्र सरकार यानी भाजपा की सरकार निशाने पर है। सवाल ये है कि आरोप प्रत्यारोप से क्या महंगाई कम होगी, और अगर महंगाई को कम करना है तो क्या जरूरी कदम उठाने होंगे, किसको उठाने होंगे, चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, नितिन भंसाली जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत। अमित चिमनानी जी भाजपा से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत आपका भी। भंसाली जी, पहला सवाल आपसे करूंगा। पदयात्रा आप लोगों ने महंगाई को लेकर निकाली, लेकिन भाजपा का कहना है कि पेट्रोल के दामों में कमी केंद्र सरकार ने की, अब आप लोगों की बारी। जी देखिए, पदयात्रा नहीं, जन जागरण पदयात्रा निकाली है। ये बताना जरूरी है कि जो वादे करकर केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में काबिज हुई है वो क्या कर रही है। उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 100 दिन में काला धन वापस लाएंगे, और सबसे बड़ा जुमला जो किया था सत्ता को पाने के लिए वो ये किया था कि महंगाई कम करेंगे। तो आज आप देखिए, वैट की जहां तक के बात हो रही है तो उत्पादन शुल्क पर मैं आऊंगा कि उत्पादन शुल्क जो है कांग्रेस के समय जो 9 रुपए कुछ पैसा लिया जाता था उसको 32 रुपए कर दिया पेट्रोल पे, यही हालात लगभग डीजल के रहे। तो ये जो दुगना या तिगुना इन्होंने उत्पादन शुल्क में जो वृद्धि की, ये मुख्य वजह है महंगाई बढ़ने की, क्योंकि परिवहन के खर्च बढ़ने की वजह से सारी चीजें इसकी वजह से महंगी हुई। जो गैस का सिलेंडर 400 से 450 रुपए मिलता था, आज देखिए वो गैस का सिलेंडर 1000 रुपए तक पहुंच गया। तो ये बातें आम जनता को बतानी होगी कि ये जुमला जीवी लोग जो है ये क्या जुमला करके कितना झूठ बोलकर केंद्र में काबिज हुए हैं। और जैसा कि 2023 है, जनता बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बार बार ये कहते हैं कि हमने टैक्स कम किया, ये कम क्यों नहीं कर रहे। तो आप जानते हैं कि अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव के नतीजे क्या है।
इनकी आंखें खुल गई क्योंकि जनता का सोटा इनको बहुत अच्छे से पड़ा है और उपचुनावों में बीजेपी को बहुत करारी हार मिली है। जी तो ये अगले वर्ष जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है या अन्य चार राज्यों में और चुनाव है, इन चुनावों के मद्देनजर ये माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। ये पेट्रोल और डीजल में जिस तरीके से रेट पड़े, ये तो ऐसा प्रतीत होता है पहले किसी इंसान को खूब पीटो और खूब पीटने के बाद जब उसका उसके घाव पर मलहम लगाने की बात आए तो एक्सपायरी डेट की मलहम लगा दो, ये ऐसा प्रतीत होता है। हमारी यात्रा जो है वो पढ़े लेता हूँ अमित जी। जन जागरण यात्रा कांग्रेस महंगाई को लेकर निकाल रही है, अब आप लोग पदयात्रा निकालेंगे, रथ यात्रा निकालेंगे और मंडल स्तर पर जाकर बताएंगे कि कांग्रेस कैसे महंगाई कब नहीं कर रही। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस भाजपा को दोषी ठहरा रही है, भाजपा कांग्रेस को, आम जनता के लिए किस प्रकार का रास्ता बच रहा है? जनता जानती है, बहुत होशियार है कि कांग्रेस की सरकार जिसको 70 सीटों का मैंडेट मिला, उन्होंने 3 साल यहाँ टाइम पास किया और उन्होंने तय कर लिया है कि बाकी का बचा हुआ जो समय है वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, क्योंकि शायद काम करने का उनका मन नहीं कर रहा है। वो तरह तरह की चीजों में, लड़ाइयों में उन्होंने 3 साल बिता दिए, अब बस बाकी बचे 2 साल जिनको खुद को काम करना है, जिनको खुद को जनता का भला करना है, वो चले हैं पद यात्राएं करने। आपको जनता ने इसके लिए वोट नहीं दिया था और कांग्रेस अब ये ठान चुकी है मुझे लगता है कि हम नहीं करेंगे कोई काम, सभी को पिलाएंगे जाम पे जाम और गांजा मिलेगा गली गली, वो चाहे वो अंडे या पान की दुकान, इनका इतना ही काम रह गया है। और महंगाई पर आप तो मुद्दा इस प्रकार से सुन लीजिए ना मेरी बात, मैं तो बीच में नहीं रोकता। महंगाई पर आप किस मुंह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? 15 रुपए की जो केंद्र सरकार ने छूट दी उसको आप क्या कह रहे हैं, एक्सपायरी डेट की मलहम कह रहे हैं आप 15 रुपए को? तो ये एक्सपायरी डेट की मलहम जरा आपकी प्रदेश की जनता को दीजिए, 15 रुपए कम कर दीजिए। आप एक कहते हैं ना कि जिसको कहते हैं मोटी चमड़ी, कि भैया आप कितना भी बोलो कुछ भी करो हम तो कम नहीं करेंगे। अरे आपकी की पंजाब की सरकार कांग्रेस की ही सरकार है, उसने तक कम कर दिया। आप उपचुनाव की बात कर रहे थे कि बीजेपी वहां से प्रभावित हुई, तो पंजाब में क्या चुनाव है इसलिए आपने कम किया है और यहाँ नहीं किया है? क्योंकि चुनाव नहीं है। कई सारे ऐसे बीजेपी के राज्य हैं जहां पे चुनाव नहीं है, वहां पर 17-17 रुपए की छूट राज्य सरकार ने दी है। तो पेट्रोल और डीजल में आप खूब कमाई कर रहे हैं, जनता को राहत नहीं दे रहे हैं और उसके बाद आप महंगाई पे पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम ये लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं। ₹10 आपने किया, उसके बाद 55 रुपए का 100 रुपए आप लोगों ने किया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये महंगाई जो बढ़ी है झट जाता है। छत्तीसगढ़ में हमको इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं, कम कब करेंगे ये हमको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हम कब कम करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। जनहित में जो निर्णय होगा सरकार लेगी, जो जनता के हित में जो निर्णय होगा वो सरकार लेगी। आप लोगों को शर्म नहीं आती? 71 रुपए का 110 रुपए आप लोगों ने किया, 55 रुपए का 100 रुपए डीजल का रेट किया, 450 के सिलेंडर का 1000 रुपए सिलेंडर किया। आप ही के नेता प्याज की माला पहन के सिलेंडर सर पे रख के नारेबाजी करते थे, प्रदर्शन करते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये है महंगाई की, यही वादा करके आप लोग सत्ता में आए थे। क्या दिया आपने? 15 लाख रुपए दिए जी, काला धन लाए। मैं टिप्पणी लेता हूँ, मनीष जी की टिप्पणी लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों के पास फिर आता हूँ मैं एक एक करके, बिल्कुल बिल्कुल आता हूँ मैं चिमनानी जी। मनीष जी, ये रथ यात्रा वर्सेस पद यात्रा, ये महंगाई को लेकर दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या इससे महंगाई कम होगी? क्या कोई दल इस प्रकार की यात्रा के जरिए किसी से कोई दबाव बना पाएगा? जनता को कैसे महंगाई से राहत मिलेगी? देखिए अभिषेक जी, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों ही कार्यक्रमों से किसी प्रकार से कोई महंगाई कम हो सकती है। दोनों एक दूसरे पर टिकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं और कुल मिलाकर के इसमें पिस रही है जनता। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जिन विपरीत परिस्थितियों में आज आम जनता या मिडिल क्लास के लोग या गरीब लोग हैं, उन परिस्थितियों में जिस प्रकार से तेजी से महंगाई बढ़ी है, हर चीज के रेट, एक आम आदमी के घर का जिसका बजट
1500 रुपए होता था वो आज 4700 रुपए का बजट हो गया। निश्चित रूप से मैं भंसाली जी की बात से भी सहमत हूँ कि 70 का 100 120 हो गया, 55 का 100 हो गया, निश्चित रूप से ये हुआ है। उस पर केंद्र सरकार भी शेष ले रही है और राज्य सरकार भी शेष ले रही है। दोनों ही दल कुल मिलाकर के जनता को राहत देने के लिए कोई कदम उठाने के लिए बारीक नहीं है। आप 120 रुपए ले जाते हो, उसके बाद 10 रुपए कम करके वाहवाही भी लूटना चाहते हो। ये बहुत दुखदायी पहलू है। जनता जिस प्रकार से पूरी तरीके से त्रस्त है, आप देखिए सब्जियों के रेट कहां जा रहे हैं आज के डेट में, हर चीज में आपका ट्रेवलिंग का रेट कहां जा रहा है। बड़ी जोर से जब ये आवाज उठी कि ट्रेनों में इतना ज्यादा पैसा स्पेशल के रूप में लिया जा रहा है, तब जाके केंद्र सरकार कदम उठाती है और लोगों को राहत देने का काम करती है। वो भी कब, जब कुछ राज्यों में उनको करारी हार का सामना करना पड़ता है। तो जब राजनीतिक दल देखते हैं कि हमारी जो नीतियां हैं उससे हमें नुकसान हो रहा है, जनता हमारा साथ नहीं दे रही है, तब जाके इस प्रकार का कदम उठाते हैं। वो ऐसे कदम पहले क्यों नहीं उठा देते, जनता को राहत देने का काम पहले क्यों नहीं किया गया, जब कोरोना जैसी महामारी से 2 साल से लगातार पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। उसके बाद जहां सरकार का काम है वो राज्य का काम है, राजा का काम होता है कि जनता के हितों का ध्यान रखना, वो हित का ध्यान क्यों नहीं रख पाए आप, ये सबसे बड़ा फेलियर है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे आप राज्य में बैठे हैं, चाहे आप केंद्र में बैठे हैं, आपको जनता के हित के लिए सोचना चाहिए। आज उसकी जो स्थिति है उसको 2 जून की रोटी के लिए जो दर दर भटकना पड़ रहा है उससे कैसे राहत दी जाए, इस बात को सोचने की आवश्यकता है। चिमनानी जी, मैं एक सवाल आपसे करूंगा और आप जवाब जो देना चाह रहे थे दीजिएगा। कोरोना काल में लोगों को वैसे ही काफी नुकसान हुआ है, सरकारों की अपनी मजबूरियां यहां पर गिनाई जा रही है कि इस वजह से महंगाई बढ़ी हुई है, दाम इस वजह से बढ़ रहे हैं, लेकिन आम जनता के पास रास्ता क्या है? वो अपनी मजबूरी बताए तो किसको बताए, उसके पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं। महंगाई अलग बढ़ रही है और नौकरियां अलग जा रही है। आम जनता के लिए जो काम करना चाहिए वो बहुत सी चुनौतियों के बाद भी केंद्र सरकार ने करके दिखाया। कोरोना जो बीमारी आई अभिषेक जी, वो 100 साल में ऐसी त्रासदी हमने नहीं देखी। अर्थव्यवस्थाएं पूरे विश्व की ठप हुई, उसके बाद भी केंद्र सरकार के निर्णय देखिए कि पूरे कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, हर एक व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन दी गई, स्वास्थ्य के बजट को कई गुना बढ़ा दिया गया, इलाज की व्यवस्था की गई। आप देखिए किसानों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं लाई गई, सेना को बहुत मजबूत कर दिया गया, इतना मजबूत कि अब दुश्मन हमसे डरने लगा है। चौतरफा काम करने के बावजूद, इतना सारा राहत देने के बावजूद, जब पेट्रोल और डीजल में राहत देने की भी बारी आई तब भी केंद्र सरकार ने 10 रुपए और 5 रुपए की राहत दी और राज्यों ने भी दी, लेकिन छत्तीसगढ़ ने नहीं दी और न देने की सोच रहा है। अब छत्तीसगढ़ में सुनिए ना, मैं बात पूरी कर लूँ। नितिन जी बीच में नहीं, बीच में नहीं बोलिए, अरे भाई तो आप 40 बढ़ा के 10 कम कर रहे हो, उसी का कर रहे हो आप। नितिन जी 1x1 प्लीज, राज्य सरकार जिसके तो आप बोलोगे तो इंटरप्ट करना पड़ेगा ना भाई, झूठ बोलोगे तो बोलना बहुत कम चीज है। राज्य सरकार, भंसाली जी से भी एक सवाल यहाँ पे करता हूँ। भंसाली जी मुझे केंद्र सरकार को आप लोग बहुत सी चीजों के लिए दोषी बता रहे हैं, कंप्लीट सभी की है, उसके पास तो ऑप्शन नहीं बच रहा है। अभी मेरे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, इतनी जोर से मैं बोलूंगा सर। मुझे एक सवाल मैं कर लेता हूँ, आपका भी सवाल होगा। बात पूरी नहीं, मैं नहीं बोल सकूंगा, मुझे अवसर दीजिए, टोका गया। आपकी लोग जनता के बारे में कुछ रास्ता निकाल लीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए, मुझे कम्प्लीट करने समय दीजिए, मुझे नितिन जी के बीच में बोलता रहूंगा, मुझे समय दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी तो सभी की होती है, आप ही लोग कुछ रास्ता निकालने, केंद्र नहीं निकाल रहा था। सरकार नहीं बात की, यदि बात है तो बैठ पे राज्य सरकार विचार कर रही है, बाकी सरकार हर क्षेत्र में हर कितने अभी ये फ्री वैक्सीन दिया है, 70 रुपए का इसको 10 रुपए जनता के
प्रदेश में। अरे रेट बढ़ गई 5,000 की रेट 15,000 में। सीमेंट देखिए घाटे में देंगे, 100 रुपए दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, पकौड़े करवा दिए आप लोगों ने, तो पकौड़े तनने को रोजगार कौन दिया? झूठ पर झूठ, ये मोदिया पिंड की बीमारी है आप लोगों को, मोदिया पिंड की बीमारी जिसका ऑपरेशन है 2024 के चुनाव में जनता करेंगे सत्ता से। भी यही कहा कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया जनता ने, पिछली बार भी यही कहा था कांग्रेस ने, जनता आपकी बात से सहमत नहीं है। आप अपने राज्य की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ से तो सपा शिफ्ट हो चुके हैं आप लोग, अब 2024 में केंद्र से बारी है। हमारा मिशन है 2024 में आपकी भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ना। जनता ने मत बना लिया है, उपचुनावों के नतीजे ये बताते हैं। राष्ट्रीय राजनीति मत करिए, राहुल गांधी को करने दीजिए राष्ट्रीय राजनीति। एक टिप्पणी आप बुरा जी से ले लेता हूँ मनीष जी। आखिर जो जनता है वो वोट देती है यहाँ पर, जिसके राष्ट्रीय राजनीति का नहीं जाता है, कहाँ है आपके राहुल राज्यसभा सदस्य? कहीं को नहीं मिलते, चाहे एफसीआई में उसने चावल लेने की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे सीरीज लेने की बात हो, कोई भी जनता के हित की बात तो आपके सांसद संसद में जाकर नहीं करते। आप कहते राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों के लिए हमने 9 सांसद प्रदेश की जनता ने जिताकर भाजपा के भेजे, क्या करते हैं वहां पर? कैंटीन में चाय कॉफी पीने के अलावा क्या करते हैं आपके सांसद? मैं मनीष जी से एक टिप्पणी ले लेता हूँ यहाँ पर। मनीष जी, महंगाई का जो हल है वो निकले कैसे? चुनाव जब जब आते हैं राजनीतिक दल का सॉफ्ट कॉर्नर जागने लगता है, वो जनता के बारे में सोचने लगते, बहुत सी राहत मिलने लगती है, लेकिन चुनाव नहीं होते तो फिर हालात जस के तस रहते हैं। कैसे इस समस्या से निजात पाए? महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और हर सरकार में रह रहकर उठता है। निश्चित रूप से अभिषेक जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और जब जब चुनाव आते हैं तब राजनीतिक दल जो है वो जनता की भावनाओं के साथ में खेलते हैं और उसको खेल करके अपने पक्ष में करते हैं, और उसके बाद जब जनता को देने की बारी आती है तो मुझे लगता है दोनों जो है फुटबॉल खेलना चाहते हैं, एक इधर से मारता है एक उधर से मारता है, जनता जो है वो फुटबॉल बनी रहती है, उसको मिलता कुछ नहीं। अगर जब दोनों दल ये बात कर रहे हैं कि हम राहत दे रहे हैं तो वो राहत जा कहाँ रही है? क्यों जनता ट्राई कर रही है? क्यों उसको 2 जून की रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है? आदमी के पास रोजगार नहीं है, इतनी बुरी स्थिति है। मैंने बोला ना कि एक आदमी के घर का राशन जिसका 1500 रुपए था वो 4500 रुपए पहुंच गया। क्या कर रही है केंद्र सरकार और क्या कर रही है राज्य सरकार? इसका हल कैसे निकल सकता है? जब हल निकालने की बारी आती है तो दोनों दल यात्राएं निकालने चले जाते हैं, हल निकालने नहीं जाते, जनता के पास जा रहे हैं, बोलते हैं अरे जनता तो त्रस्त है महंगाई से, आप किसके पास जा रहे हैं? जिसको राहत देना है उसके पास जाइए ना, उसके पास राहत पहुंचाइए, उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको राहत देने की आवश्यकता है, उसकी जो तकलीफ है उसको कम करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से ये आज जो परिस्थितियां बनी हुई है देश में, जिस प्रकार तेजी से महंगाई बढ़ रही है वो बहुत जो है दुखद है और जनता इससे त्राही कर रही है, और इसका आने वाले समय में दोनों दलों को परिणाम भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी का इस चर्चा में। आज समय मेरे पास इतना ही था। महंगाई एक ज्वलंत मुद्दा, एक समस्या बनी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका हल कैसे निकले ये जनता की समझ के परे है, क्योंकि वो जिनको चुनकर भेजती है कि वो इसका हल निकालेंगे वो आपस में उलझे हुए हैं कि इसका जिम्मेदार आप हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं। फिलहाल ये लड़ाई चल रही है और जनता देख रही है कि शायद ये जंग आपस में खत्म हो आरोप प्रत्यारोप की, तो उसके बारे में कुछ सोचा जाए। हालांकि उसके लिए एक बहुत अहम चीज है, चुनाव पास में होना बहुत जरूरी है। आज का मुद्दा में नमस्कार।